मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। और आज लगभग पौने 2 साल के ड्रामे के बाद कल ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था। जी से हमारे महासचिव प्रभारी दीपक बावरिया जी से और उदयभान जी से कि वो उनका स्वागत करके उन्हें पार्टी में शामिल करें। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम खत्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन पूरा देश जोश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी, तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और उस समय जिस दिन ये षड्यंत्र हुआ था उसी दिन मैंने कहा था ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, इसमें कांग्रेस शामिल है, दीपेंद्र हुड्डा शामिल है, भूपेंद्र हुड्डा शामिल है। ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। और आज लगभग पौने 2 साल के ड्रामे के बाद कल ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ था। जिस समय वो धरने पर बैठी थी देश को लगा था कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, इसलिए देश के काफी लोग उनके साथ आ गए थे और विपक्षी पार्टियां खुल करके उनके साथ आ गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी सच्चाई का पता लगा रही थी। अगर भारतीय जनता पार्टी उनके विरोध में होती तो मेरे ऊपर एफआईआर नहीं लिखा जाता, और एफआईआर लिखा भी जाता तो चार्जशीट न लगती। क्योंकि जिस केस की वो बात कर रहे हैं, जिस दिन की बात कर रहे हैं, जिस घटना की बात कर रहे हैं, मैं वहां पर हूं ही नहीं और मेरे खिलाफ चार्जशीट लगी है। और ये षड्यंत्र एक कुश्ती संघ पर कब्जा और दूसरा इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी पर हमला, विचारधारा पर हमला। क्योंकि मैं पार्टी में 89 से जुड़ा हूं, राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़ा हूं, राम जन्मभूमि आंदोलन में दो दो बार जेल जा चुका हूं। और हमारे बहाने ये बीजेपी पर हमला था या मोदी जी पर हमला था या विचारधारा पर हमला था, और ये जो राहुल की टीम है, ये कांग्रेस की टीम है, जो ये हमेशा ये काम करती रहती है। क्या ओके, थैंक यू। Thank you.